राम जी बात करें एक के बाद एक आपकी फिल्में रिलीज होती रहती हैं, हिट होती हैं, सुपर हिट होता जाती है, एक फिल्म का खत्म करते दूसरी की मुहूर्त करके फिर से तैयारी में लग जाते हैं, तो इतने एनर्जी के साथ आप काम कैसे कर पाते हैं? सबसे पहले मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया और दर्शक को नमस्कार करता हूँ, विशेषकर अपने अमित जी हैं, रामचंद्र भैया हैं जो हमारे बड़े भाई हैं। अभी अपनी फिल्म रिलीज पे लगी हुई है रूप मेरे प्यार का, जो बहुत अच्छी, बहुत म्यूजिकल सामाजिक सिनेमा हमने बनाया है, जो पूरा फैमिली पिक्चर देखेगा एक साथ। मेरी यही उम्मीद है कि जो आज हाल से लोग हट रहे हैं, मैं ऐसा सिनेमा बनाऊँ कि उस हाल से फिर जुड़ा हो जाए लोगों का। मार्च में हमारी फिल्म रिलीज हो जाएगी, इसके पहले हमारी फिल्म रिलीज हुई मैं सुपर किंग डन हूँ, जो मुझे 2021 में अवार्ड मिला, ग्रीन सिनेमा अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। सिनेमा अवार्ड सम्मानित होने के बाद मुझे कंटिन्यू 7 फिल्में मैंने साइन किया। अभी इसके बाद हमारी फिल्म है रूम मेरे प्यार के बाद प्रेम की सौगंध, जो बनारस में शूट किया जाएगा। इसके प्रोड्यूसर हैं DRS एंड गीतांजलि फिल्म प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो पूरे निर्देशन मेरे हाथ में है, पूरे कमान मैं संभाल रहा हूँ। बड़ी कास्टिंग है, संजय पांडे, प्रमोद भूमि, आकांक्षा दुबे, आशा कश्यप और सूर्या झा, श्रद्धा नवल जी हैं, विद्या सिंह जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, खुशबू यादव जी हैं, जली जी हैं, टिंकू सिंह हैं, अपना रितेश प्रताप सिंह हैं, अमित कश्यप हैं, सोनू जी हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। और अभी कुशीनगर में अपनी नेक्स्ट फिल्म है अप्रैल में दुश्मनी का कहर, जो अब तक की सबसे बड़ी और मेगा बजट की फिल्म होने जा रही है, जिसमें सारे मल्टी स्टार भरे हुए हैं उस फिल्म में। उस पे स्टोरी पे काम चल रहा है, आज 2 महीने से स्टोरी लिखाई जा रही है, बहुत जल्दी उस प्रोजेक्ट पर काम होगा। नेक्स्ट फिल्में हमारी है चिंटू को लेकर के, कल्लू भाई को लेकर के है, मनोजार पांडे को भी लेकर के है, और सब्जेक्ट अपना लगा हुआ है। रितेश प्रताप सिंह की फिल्म है जिसमें एज ए हीरोइन को लॉन्च किया जा रहा है, बड़े मेगा बजट की फिल्म है यह। हम चाहते हैं कि फिल्म जो बनाई जाए उसको ऑडियंस तक पहुंचे, उसको लोग देखें, ये मेरी इच्छाएं हैं। और मैं बहुत मेहनत करता हूं प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और प्रोजेक्ट मेहनत से ही बनता है सिनेमा। बात करें जो है फिल्म के जो हीरो हैं, अभी इसके बाद सर कर रहे हैं हम अप्रैल में डॉक्टर BM राय का, माधव राय का दुल्हन एक रात की, जो कि ऑलरेडी प्रमोद जी साइन है, अप्रैल में टीम उतारा जाएगा। वो भी बहुत अच्छी महिला प्रधान फिल्म है, क्योंकि जब तक महिला और समाज के लोग नहीं फिल्म देखेंगे जाकर के, तब तक फिल्म पुरुष प्रधान को लेकर के नहीं चल पाएगा। घर घर हमारा सिनेमा देखना जरूरी है, तभी हमारी फिल्म को महत्व, हमारे प्रोड्यूसर को फायदा जो भी है जैसे भी है, नहीं तो रिकवरी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक आदमी देखने से पैसा रिकवरी नहीं होगा, हमारा यही सुझाव है, मेरा एक सलाह है कि फिल्म जरूर देखें। अच्छी सिनेमा है तो परिवार के लोग सब लोग मिलके फिल्म देखें, और जब तक फिल्म नहीं देखेंगे तब तक हम फिल्म बनाने क्या, मैं उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो पाएगा। दिन के दिन उसे भोजपुरी का ग्राफ गिरता जा रहा है, उसका सिर्फ यही सिर्फ कारण है कि सिर्फ अशोभनीय शब्दों का खेल, अब शब्द बुलवाना, इसी की वजह से जो भी समाज के ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के लोग हैं वो बेचारे फिल्म नहीं देखते। जो कि भोजपुरी किसी एक का नहीं है, सामाजिक सबका है भोजपुरी। सबसे ज्यादा भारत में बोलने वाला शब्द भोजपुरी ही भाषा है, जो हर राज्य में बोला जाता है, फिर भी हमारी भोजपुरी का दुर्दशा बहुत खराब है। हाल में ऑडियंस नहीं जा रहे हैं, प्रोड्यूसर फिल्म बनाए तो कैसे बनाए, तो ऑडियंस की दोष नहीं है, दोष हमारे टेक्नीशियन में है, हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट, हमारे डायरेक्शन में, हमारे राइटर जो हम उठाते हैं सब्जेक्ट,
हम जब सब्जेक्ट उठाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे तो खाने वाले हमारे वहाँ आएंगे, अच्छा खाना नहीं बनाएंगे हमारे वहाँ खाने वाले नहीं आएंगे। तो सिनेमा हमारा नयन सुख है, जब हम अच्छा सिनेमा बनाएंगे तभी हमारे इस पिक्चर को देख के अपने नयन को, अपने आँखों को, अपने दिल को सुकून महसूस करता है। हम कुछ भी बना देंगे कुछ भी नहीं बिक जाएगा, आज की ऑडियंस सब जानती है कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बेच सकते हम। लोग अच्छा टेस्ट खोजते हैं, जो कहा गया है खाटी नयन सुख। हम पिक्चर किसी लिए देखते हैं? नयन सुख के लिए देखते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं और मैं चाहता हूं कि हमारी सिनेमा ज़रूर देखी जाए और मैं पूरी कोशिश, पूरी उम्मीद के साथ यही फिल्म बनाने की कोशिश करूंगा कि हमारी फिल्म हर घर में देखी जाए। सर एक सवाल और, प्रमोद प्रेमी जी ही आपकी फिल्म के हीरो क्यों? ये तो आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है। प्रमोद प्रेमी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रमोद प्रेमी के साथ हमारी एक अच्छी टीम है और जो मैं चाहता हूँ मैं उसे एक्टिंग करा लेता हूँ। उनसे कोई डिस्कशन नहीं करते हमसे, क्योंकि मेरा सोच होता है स्टोरी, मेरी कंसेप्ट होता है, मुझे सिनेमा कैसे बनाना है। फिल्म बनाने से पहले मैं सिनेमा को देख लेता हूँ और फिर आर्टिस्ट को उसमें ढालता हूँ मैं। इसलिए प्रमोद जी से हमारी एक अच्छी ट्यूनिंग है। प्रमोद जी को लेकर मैंने 8 फिल्में साइन किया है और ऐसा नहीं कि जो हम सोचते हैं उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम एक सोच लेके आए हैं ना, हम एक सोच लेके आए, उस सोच में उनको ढालते हैं, इसलिए हमारी उनकी केमिस्ट्री अच्छी बनती है और वो समझते हैं कि एक डायरेक्टर की भूमिका होती क्या है। और मैं सिनेमा बनाने के लिए, अभी देखिए मेरी सुपर किंगडम बहुत अच्छी चली, पहली फिल्म रही लेकिन लोगों ने सराहा, लोगों ने देखा और अच्छे से देखा। उसकी दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है रूम मेरे प्यार का और मुझे पूरा उम्मीद है कि हर पिक्चर हॉल में फैमिली के साथ लोग जरूर जाएंगे देखने के लिए। मैंने ध्यान में रखते हो, समाज को ध्यान में रखते हो, शब्दों का माल मेल देखते हो, उसमें कोई भी अशोभनीय शब्द, कोई भी ऐसी वाणी नहीं है जो भाई भाई के साथ ना देख सके, बाप बेटे के साथ ना देख सके। फिल्म को पूरा फैमिली परिवार बैठ के फिल्म देख सकता है, क्योंकि मैं ऐसा कोई सिनेमा नहीं बनाऊंगा जिससे ऑडियंस मुझसे दूर होने लगे। दर्शकों से मैं यही कहूंगा कि सिनेमा को देखें जरूर, जब तक देखेंगे नहीं तब तक अच्छा बुरा समझ में नहीं आएगा। और सिनेमा के नज़र से देखें, आप उनके नज़रिया से देखिए। हम एक अच्छी सोच लेके आते हैं तो हमारी भी उम्मीद होती है कि हमारी फिल्में लोग देखेंगे, हमें समझेंगे, हमारी उस मेहनत किए हुए चीज़ों को वो सराहेंगे। हमने जो भी फिल्म बनाई हमारे हर कार्य को सराहा गया, मुझे अच्छा लगता है कि वो हमसे ऑडियंस क्या चाहती है और ऑडियंस को मैं जानता हूँ कि वो मुझसे क्या चाहती है। इसलिए मैं सिनेमा को समझ करके उनकी हर भावनाओं को तब मैं डिजाइन करता हूँ, तब मैं कास्टिंग करता हूँ, तब मैं शब्दों का मेल रखता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है अपने भोजपुरी में शब्दों का मेल, जिसके पास शब्दों का मेल नहीं है वो सिनेमा अच्छा नहीं बन सकता। नमस्कार रामचंद्र भैया इसके लिए, और मेरी यही उम्मीद है कि मेरी ये चीज़ें हर जनमानस तक पहुँचे, हर लोगों तक पहुँचे जरूर और सिनेमा को जरूर देखें। भैया प्रेम रंग बनारस, उसके बाद मुगल सराय, प्रेम की शौकत क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दर्शक लोग को नमस्ते और प्रणाम, और दिलीप जॉन जी के साथ हमारे तीसरा फिल्म और 5-6 फिल्म और यहाँ का साइन बा। तो हमने कहा आज में फिल्म के मुहूर्त पर प्रेम की सौगंध, जो जगह डायरेक्टर बनी दिलीप जॉन जी, जो प्यारे और हम लोग बहुत अच्छे जानकार, हम लोग को भाई है, और इनके साथ मेरा ये तीसरा फिल्म अभी जो मैं कर रहा हूँ। तो आज हम लोग का फिल्म का मुहूर्त है, जो फिल्म DRA गीतांजलि फिल्म के बैनर तले जो फिल्म हम लोग बना रहे हैं। भैया प्रेम ही शब्द आप क्यों चुन करें? प्रेम रंग और प्रेम की सौगंध, कुछ ऐसा कुछ कनेक्शन तो नहीं है? देखिए अभी दौर जो बाज भोजपुरी में जितना अच्छा हमने के फिल्म बनाई जाए, साफ सुथरा फिल्म बनाई जाए, ऑडियंस अतने सिनेमा में आई है और घर घर में लोग फिल्म देखें, तेईस से हमने की जो भी अब एगो पारिवारिक स्टोरी उठावा तो नहीं जा कि गाँव के हो, स्टोरी हो, साफ सुथरी फिल्म हो, वही कहानी पर हमने के काम होता। भैया फिल्म के बारे में प्रियंका राय जी एक बार फिर से आपके साथ लव सीन जी जी केमिस्ट्री है, तो सारी एक्ट्रेस को एक साथ क्यों कंबाइन कर रहे हैं प्रियंका जी के? डायरेक्टर साहब का कहना था कि प्रियंका जी फिल्म में रहेंगे
और प्रियंका जी के साथ तो मेरा भी 6-7 फिल्में जो रिलीज हो रही है तो आने वाला है, तो प्रियंका जी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्हें अच्छा लगा कि चलिए फिर से जोड़ी आप दोहरा रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत लवली, हम इनको बहुत मानते हैं, दिलीप भैया को और प्रोड्यूसर को बहुत सपोर्ट करते हैं, इनमें एक खूबिया है और बहुत जानकार वाले डायरेक्टर हैं, तो हम लोग मिलकर सोचेंगे कि अच्छा से अच्छा फिल्म बनाएंगे। भैया अभी हम लोग शुरुआती मैं हूँ किंग डॉन, उसके बाद अभी रूप मेरे प्यार का, और चार फिल्में हम लोग अभी लाइन पर है, डेट नहीं दे रहे इनको। फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी कुछ अंदाजा? देखिए हम लोग दोनों भाई बैठते हैं और इसको बहुत जल्द हम लोग शूटिंग करेंगे। अच्छा अच्छा सर, फिल्म में काफी ज्यादा एक्ट्रेस भी नजर है, पोस्टर में साफ साफ दिख रहा है, प्रियंका जी हैं और आकांक्षा है, तो ये तीन हीरोइन की स्टोरी है। किस तरीके से आप एक हीरो के साथ तीन तीन हीरोइन को फिक्स कर रहे हैं? हाँ, ये पहला जो रोल होता है भाई का हमारे, तो पहले रोल को विलन मार देता है, लेकिन न्याय के लिए फिर दूसरा इनका डबल रोल है भैया का, वो जेलर बन के आते हैं। जो हीरोइन विलन को मार देते फिर वो कैदी बन जाती है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए ये जेलर बन के आते हैं, तो ये जो पूरी तरह से न्याय का पूरी तरह से न्याय दिलाते हैं उस हीरोइन को, और यही सब है, महिला प्रधान फिल्म है जो है, और न्याय के साथ न्याय भी करते हैं, और पुलिस प्रशासन तो इसे भी भ्रष्ट है, लेकिन कुछ ऐसे जेलर है जो कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, तो वही भूमिका हमारे भाई निभा रहे हैं। बगल में अरे ये हमारे माँ बाप हैं, हम इन्हीं के बदौलत हम आज खड़े हैं, जो हमारी टीम खड़ी है यहाँ पे, ये हमारे कर्णधार हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बॉम्बे में था, शूटिंग हमारा पूरी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था, डीके शर्मा विश्वकर्मा जी हमको बुलाएं बनारस से, अगर वो आ रहे हैं इधर आइए जरा, डीके भैया उन्होंने हमारी इस काबिलियत को समझा, मुझे उस योग्य समझा, और मुझे पूरी डायरेक्शन का कारभार मुझे सौंपा गया। मैं रहने वाला गोरखपुर से हूँ, लेकिन मेरी काबिलियत को देखते हुए आप लोगों ने इसके लिए योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बता दीजिए। 11 मार्च के हमारी फिल्म को रिलीज होकर वाला शुभ विवाह SRK कंपनी से, जिसके प्रोड्यूसर रोशन जी हैं और डायरेक्टर आनंद जी, उसके बाद छुपा रुस्तम, उसके बाद रूप मेरे प्यार का, 7-8 फिल्में मेरी रिलीज पर है। बैक टू बैक धमाका होगा। होली में कितने गाने अब तक रिलीज हो चुके हैं और कितने आने वाले पास? 12-13 गाना रिलीज हो चुका है, अब नहीं गाएंगे, उसके बाद लोकगीत है। 12-13 गाना रिलीज हो चुका है, तो आप सब प्यार आशीर्वाद दीजिए और हम लोग का फिल्म, आप लोग फिल्म का भी आशीर्वाद प्यार दीजिए। नमस्ते। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, जिसमें प्रमोद प्रेमी जी हैं और संजय पांडे जी हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं, और माँ के रोल के लिए शारदा नवल जी हैं और दिव्या सिंह हैं, और बहुत से लोग कलाकार हैं भी हैं। यूपी के भी कलाकारों को जगह मिलने वाली है? यूपी कलाकारों को 60% जगह मिल रही है। यूपी के जितने कलाकार हैं 60% यूपी के कलाकारों के हैं। मैडम, शूटिंग की बात करें तो यूपी में किन किन जिलों में शूटिंग करने वाले हैं? अभी तो फिलहाल बनारस में हो रही है, और लखनऊ, बनारस, लखनऊ, और अभी और भी शूटिंग के लिए देखी जा रही है कि कौन सी सूटेबल प्लेसेस होंगे तो उनके लिए। फिल्म की शूटिंग कब से शुरुआत होगी, कुछ आइडिया है? फिल्म की शूटिंग की शुरुआत के बाद से सर 2 हफ्ते में फाइनली डिसाइड करने वाले हैं। तो मैम बात करें, आज जो फिल्म का इतने बड़े पैमाने पे मुहूर्त किया गया, विधिवत पूजा पाठ किया गया, खास वजह क्या था, खास दिन क्या था आज? खास दिन की मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था आज, तो आज ही के दिन से उनके बर्थडे का केक काट करके मुहूर्त करना था इस पिक्चर का। उनके कितने साल का आज केक कटा है? 85। तो उनका आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है, क्या कहना, उन्होंने किस तरह से आशीर्वाद दिया है कि इस फिल्म के लिए? बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने इस पिक्चर के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? तो इस फिल्म में आप कोई रोल भी नजर करते नहीं? मैं तो अभी मेरा कुछ ऐसा फाइनल डिसाइड नहीं है कि मैं अभी कुछ रोल करने वाला हूँ, लेकिन क्या पता, शायद हो, आप देखिए, क्योंकि आपका गेटअप लग रहा है कि आप बनेंगे। विलन तो ये है। विलन नहीं बनेंगे और विलन बनेंगे बाकी। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ये कहना चाहेंगे कि आप इस मूवी को जरूर देखें, आपको बहुत सारी शिक्षा मिलेगी इसको देखने के बाद, आपका एक नज़रिया चेंज हो जाएगा
मैं एक फिल्म को लेकर कि आप उसे कैसे देखते हैं। थैंक यू पीयूष शास्त्री बेटा। हाँ अच्छा अच्छा सर जी के बड़े पुत्र हैं पीयूष कुमार शास्त्री जी। अच्छा अच्छा आप जो है हमारे गार्जियन हैं पिताश्री हम लोग बाबू जी मानते हैं आप जो है तो जगत जननी माता जी हैं तो आप हमारे टीम के लिए हमारे मीडिया के लिए हमारे जनता के लिए आप इस फिल्म के बारे में दो शब्द रखें। ये जो हमारी फिल्म है आने वाली इसका नाम है प्रेम की सौगंध। ये एक रोमांटिक मूवी है जो कि एक सामाजिक जो एक ये एक सामाजिक मूवी है जो कि आप लोगों को बिल्कुल देखनी चाहिए। ये एक वुमेन का क्या रोल होता है क्या उनकी पावर है उसको अच्छे से दर्शाया गया है इस सिनेमा के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ और इसको ज़रूर देखें और ये आपको एक अच्छी शिक्षा देगी। आप इसमें किसी किरदार में नजर आने वाले हैं? मैं कैमरे के पीछे किरदार में नजर आने वाला हूं, कैमरे के आगे नहीं। तो भविष्य में आप एक्टर के तौर पे दर्शकों को एंटरटेन करेंगे? देखिए अभी तो कोई ऐसा मेरा प्लान है नहीं लेकिन शायद इसके करते करते अगर हो गया तो फिर मैं आऊंगा जरूर। सर आप क्या कहना चाहेंगे प्रेम की सौगंध में इतना बड़ा मोमेंट हुआ है? क्या कहना चाहेंगे हमारे सीओ साहब ने सब बता ही दिया वही चीज हम भी रिपीट करेंगे। तो पूरी टीम को किस तरह आशीर्वाद शुभकामना देना चाहिए? आशीर्वाद तो है ये पूरी टीम को और इन लोग अच्छा करेंगे और अच्छा आशीर्वाद रहेगा और प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रमोद प्रेमी जी सुपरस्टार हैं भोजपुरी सिनेमा के हीरो हैं क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे उन्होंने तैयार हो गया मतलब तो हमारे पिक्चर के लिए तो हमें भी अच्छा लगा और आगे देखेंगे कैसा हम लोग कर पाते हैं कैसा हमको मिलता है रिस्पॉन्स उस हिसाब से हम काम करेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप नहीं बोल चुके हैं बोल चुके कितना होगा। आइए बंसीधर भी आप मैम आपकी डी आर एस एंड गीतांजलि कंपोजिशन की पहली फिल्म बहुत बड़े धूमधाम से तो आप पैमाने पर क्या कहना चाहेंगे? बस खुशी का माहौल है अच्छा लग रहा है कि हमारी पहली मूवी रिलीज होने वाली है उसका उद्घाटन हो रहा है तो और पहली मूवी का नाम है प्रेम की सौगंध तो अच्छा लग रहा है वुमेन सेफ्टी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये मूवी बन रही है। प्रमोद प्रेमी को ही आपने क्यों साइन किया? उनकी बहुत सारी मूवीज देखी थी अच्छे लगे अच्छी एक्टिंग कर उनकी एक्टिंग अच्छी लगी तो हमें लगा कि वो इसके लिए सबसे सूटेबल है। फिल्म के एक्टर्स की स्टार कास्ट की बात करें तो कौन कौन से ठीक है इसमें स्टार कास्ट है स्टार कास्ट आइए नहीं नहीं आ गया अपना परिचय दीजिए और सबसे पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम पिंटू शुक्ला है मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ और काफ़ी फिल्में करके आया हूँ। दिलीप जी के साथ मेरी एक फिल्म इसके पहले हो चुकी है वो मेरे प्यार का और ये फिल्म है प्रेम की सौगंध बहुत अच्छी फिल्म है जिसमें प्यार है इमोशनल है पारिवारिक मतलब वो है मतलब सब कुछ इसमें है सारे चीज़ मिलेंगे आपको और ये मतलब महिला प्रधान फिल्म है और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सारे टेक्नीशियन अपनी लगन से अपने अच्छे मेहनत से और कड़े मेहनत से इस फिल्म का मतलब काम करें और एक अच्छी फिल्म बनाएं जिसे दर्शकों को पसंद आए और दिलीप जी अच्छे डायरेक्टर हैं अच्छे टेक्नीशियन हैं और मैं सच्चे दिल से उनकी सपोर्ट करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अच्छे ढंग से किया है इन्होंने और आज मुहूर्त है और आगे जो है फिल्म बहुत अच्छी बनने वाली है पारिवारिक बनने वाली है और शुद्ध फिल्म बनने वाली है वल्गैरिटी कोई भी नहीं है और आप लोग थोड़ा सा प्यार और अपना आशीर्वाद दीजिए। सर आप कहना चाहेंगे इस फिल्म का एक हिस्सा है सौगंध का इतना बड़े लेवल पर मूवमेंट हुआ है जी सर क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम को कुछ शुभकामना बधाई देना चाहेंगे? सर हम सबको बधाई देंगे कि आप लोगों के ही माध्यम से सब कुछ होता है सर। हाँ जीरो से सर आप लोग हीरो बना देते हैं सर आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है सर और सब ठीक ठाक है सर। फिल्म के डायरेक्टर दिलीप जौहान जी हैं जी जी आप एक्टिंग भी करने जा रहे हैं जी 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 सर मैं दिलीप जान जी सर बहुत ही अच्छे हैं क्या बताएं इनके बारे में सर मुलाकात तो बहुत ज़्यादा दिन से है इनकी हमारी
लेकिन बीच में थोड़ा सा दूरी थी, इस चीज़ को नहीं समझ पाया। और ये बचपन से मुझे बहुत शौक़ था फिल्म में काम करने के लिए, लेकिन सही रास्ता सही दस मार्ग नहीं मिल पाया। तो ये सर हम जब मिले तो मुझे दिल में एक ऐसा मतलब जागा कि फिल्म में काम करने के लिए मैं इच्छुक हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो फिल्म हमारी यार ये दुश्मनी की कहर, ये बहुत अच्छा है, पारिवारिक फिल्म है और सब कुछ ठीक ठाक है उसमें। सर तोताराम जी आप क्या कहना चाहेंगे? सभी श्रोताओं दर्शकों को अमित कश्यप का प्रणाम। उफ तोताराम, मैं इस फिल्म के बारे में जितना कहूँ उतना ही कम है। एक फिल्म प्रेम की सौगंध, जिसके शुभ मुहूर्त पर हम लोगों को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस फिल्म में बतौर ईपी मैं देख रेख कर रहा हूँ, साथ में कुछ हमारे डायरेक्टर साहब की कुछ दया दृष्टि रही तो शायद कुछ कैरेक्टर्स भी कर रहा हूँ इस फिल्म में। बाकी इस फिल्म के जितने भी पात्र हैं काफ़ी अच्छे हैं और अपनी अपनी भूमिका अच्छी तरीके निभाएंगे और उसका रंग आप लोगों को देखने को पर्दे पर मिलेगा। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जिनको दबंग डायरेक्टर दिलीप जॉन के नाम से जाना जाता है, काफ़ी अच्छी सोच है इनकी इस फिल्म को लेकर के और बहुत अच्छा क्रिएशन है। बहुत जल्द आप लोगों को पर्दे और ट्रेलर पर देखने को मिलेगा। और साथ ही हमारे रामचंद्र भैया पीआरओ, जो हर वक्त हम लोगों की हर फिल्म में सम्मिलित रहते हैं, मैं उनका दिल से आभारी हूँ और समस्त मीडिया का मैं आप लोगों का आभारी हूँ। और इस फिल्म में एक और कैरेक्टर है जो एक एज अ विलन काम कर रहे हैं, डॉक्टर बी एम राय माधव राय, वो अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए हैं, फिल्म की डबिंग में फंसे हुए हैं। तो आशा है कि उनका भी रोल आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनसे मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई है, फर्स्ट मुलाकात है, लेकिन जितनी देर में के लिए मैं मिला बहुत अच्छा लगा मुझे। काफ़ी सरल स्वभाव है और काफ़ी कॉपरेट हैं वो लोग फिल्म को लेकर के। और एक बहुत अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे मुझे देखने को कि अपने बुजुर्गों को आज के ज़माने में भी इतनी प्रतिष्ठा देना शायद मैंने पहली बार देखी है। जो कि एक उनके पिताजी हैं जो कि शायद इस समय व्हीलचेयर पे हैं, फिर भी उनका जन्मदिन मनाया गया, उस जन्मदिन के शुभारंभ पे इस फिल्म का मुहूर्त किया गया। तो जाहिर बात है जिस फिल्म का आगाज ऐसा हो उसका अंजाम कैसा होगा। बहुत धन्यवाद सर। हमारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है इस फिल्म को बनाने के लिए। टेक्नीशियंस से लेके हमारे जितने भी प्रोड्यूसर साहब हैं, जो भी लोग हैं, छोटे बड़े सारे जो भी है टेक्नीशियन कलाकार, सारे लोग समर्पित हैं इस प्रोडक्शन में काम करने के लिए। और लोगों की इंतजार है कि DRS गीतांजलि फिल्म प्रोडक्शन में फिल्म बनेगी तो हमें ज़रूर काम मिलेगा फिल्म में काम करने के लिए। तो ये सब चीज़ है जो बहुत सारे लोग समर्पित हैं और बड़ी टीम है, बड़े टेक्नीशियन हैं, बड़े स्टार हैं, बड़ी कास्टिंग है। अच्छी ओपनिंग हो रही है इस बैनर से और लोगों को अच्छा ब्रेक भी दिया जा रहा है, अच्छे से उनको जो है प्रमोट भी किया जा रहा है। बाकी हमारी इस फिल्म के सबसे मेन विलन है DK विश्वकर्मा जी, जो इस फिल्म को इन्होंने पूरी तरह से सींचा है और बाकी तो कारवा हम लेके चल रहे हैं आगे आगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बोलेंगे कि मैं मात्र एक जरिया हूँ, जो भी इस मुकाम तक पहुँचाए हैं वो हमारे पापा हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से, इनके ही आशीर्वाद से हम लोग इतना बड़ा मंच खड़ा कर पाए हैं। सर जो ये बाबूजी का 50वां और जो 85 ईयर का के काटा गया है और उनके जन्मदिन पर ये प्रकाश सिंह फिल्म जो है उनको सौगात या उपहार या भेंट कह सकते हैं उनको दिया है आपने, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो उनको आप बोले। ये कैसे ख्याल आया कि उनका जन्मदिन मनाएंगे बाबूजी का और उनके काटेंगे और पिक्चर का निर्माण की घोषणा करेंगे, मुहूर्त करेंगे? ये बाबूजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही यह फिल्म उनके चरणों में समर्पित किया गया है, पहली फिल्म भोजपुरी का। नहीं तो सर जी तो हिंदी फिल्म बनाने जा रहे थे, बड़ी बिग बजट की फिल्म थी, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं पहले कुछ अपने क्षेत्रीय कलाकार भी हैं जो इधर उधर बेचारे भटक रहे हैं और यह पहली फिल्म भोजपुरी जो हमारी माटी है ये पिताजी के चरणों में सत सत नमन उन्होंने किया, समर्पित किया। इसके बाद नेक्स्ट फिल्म है, बड़ी फिल्में हैं और भी
11 फिल्मों का सर ने अनाउंसमेंट किया है। ये हमारे सबसे बड़े अन्नदाता हैं, जो इन्होंने 200 लोगों को इन्होंने जोड़ा है और 200 लोगों को रोजगार दिया कम से कम। तो ये सारी मेरी टीम के तरफ से सारे लोगों को, टेक्नीशियन कलाकार के तरफ से, सारे लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको चढ़ छू के आसपास। और एक बात, हमारे फिल्म के जो कर्ता धरता हैं, एक दीपक सिंह दादा, वो अभी गए हैं प्रमोशन को छोड़ने के लिए, यहाँ पे नहीं है, रहते तो कुछ जरूर दो बात वो भी बोलते। इस कारवां को लेके आगे वो चल रहे हैं, इसके लिए बहुत दिल से उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.